पे, तो आप जो हल्का सा इस साइड कर दो इसको, जो लाइट है ना वो नीचे आ जाए। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सो इस R15 का जो है एक और कमाल का फीचर आपको आज दिखाने वाला हूँ हेडलाइट सिस्टम में, जिसकी हेडलैम्प है ना ये एडजस्टेबल है। मतलब मैंने कंपनी में जो है कॉन्टेक्ट किया कि भाई ये हिलती क्यों है, मतलब इसका क्या रीज़न है, तो उन्होंने जो है सारी बाइकों में चेक किया और वहाँ पे देखा कि भाई ये जो है सभी बाइकों में ऐसे ही हिलता है और नीचे से जो है कोई इसकी सेटिंग नहीं है, चाहे कितना ही आप नट वगैरह टाइट कर लो ये जो है यहीं की मतलब ऐसे के ऐसे रहेगा। इसको जो आप ना साइड में कर सकते हैं, मतलब ना सेंटर में आप कर सकते, कहीं पर भी जो फिट नहीं कर पाओगे, ये ऐसे ही रहेगा। तो चलिए अभी बताता हूँ आपको कैसे काम करता है। तो यहाँ पर जो है इसमें स्टार्ट कर लेता हूँ सबसे पहले, तभी देखो ये देखो लाइट इसकी, एंड अभी ये कैसे काम करती है वो दिखा देता हूँ। ये जो है यदि आपको लाइट जो है ज़्यादा नीचे चाहिए रोड पे, तो आप जो हल्का सा इस साइड कर दो इसको, जो लाइट है ना वो नीचे आए, हल्का सा जो है ये रोड पे ज़्यादा इफेक्टिव होगी। यहाँ पे जो पता नहीं चल रहा आपके सामने बोर्ड वगैरह इन पे, लेकिन जब रोड पे जाओगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो कुछ ऐसे जो है काम करती है, अंदर का जो है ये पूरा नहीं हिलता, सिर्फ ही बाहर बाहर से हिलती है। तो कुछ ऐसे जो है काम करने वाली है, एंड देखने में जो इसकी हेडलाइट है वो आपको लगेगी कि काफ़ी ज़्यादा हल्की है, ब्राइटनेस जो नहीं होगी इसकी। तो रात जो है मैं इसका रिव्यू कर रहा था तो मेरे को भी डे के टाइम में ऐसी लग रही थी, लेकिन जब आप नाइट में लेके चलोगे तो लाइट जो है आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। ये देखो अलग से बीम क्रिएट कर देती है, तो यहाँ पर लाइटिंग में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये जो है दिखाना था आपको कि भाई ये एडजस्टेबल टाइप है, बाकी पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मेरे को जो शोरूम वालों ने बताया वो मैंने आपको बता दिया। तो अभी कमी वगैरह आप निकालना नहीं भाई, जो मेरे को लगा वो मैंने आपको बताया। तो बाकी ये तो कुछ आज की वीडियो में दिखाना था, इसका एक छोटा सा फॉल्ट होगा या फिर जो है फीचर होगा, अब वो तो कंफर्म होगा कुछ दिन बाद ही। तो चलिए गाइस, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।